गाइस स्वागत है आपका आज और एक नए ब्लॉग्स में। आज बारिश हुई है उसे दिखाना है और नदी में कितना पानी गया उसे भी दिखाना है। तो गाइस आओ चलो देख ही लेते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। गाइस यहाँ देख सकते हो इतनी आंधी चल रही है, तूफान तो आया नहीं, आधी ही चल के काम चला रहे हैं। और ये जानते हो ना मार्शल रोड से जाते हैं इस रोड से, अभी देखो ये इतनी हवा चल रही है ना और बारिश हो रही है, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है अभी, अभी तो थोड़ी ही बारिश हो रही है, इसीलिए ना रोड पे सारे लोग जा रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इसमें झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ना मैं दिखा रहा हूँ तो सही दिखा रहा हूँगा ना। अभी ये कैसे पत्ते हिल रहे हैं, बिना आंधी आए हुए पत्ते तो अपने आप हिलेंगे नहीं, और बिना बारिश हुए ये सड़क इतनी गीली तो हो नहीं जाएगी। ऐसा तो थोड़ी है कि कोई बच्चा आके इस पे मूत दिया हो कि उसके पेशाब कर देने से इतनी बारिश हो जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आता इन सब का हिसाब कहाँ से होगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजर। तो गाइस अगर एक बच्चे ने पेशाब इतनी सारी कर दी तो उसके लिए किस किस का बदला लेना जरूरी है, इसलिए ना उस बच्चे को छोड़ देते हैं। और गाइस मैं बता दे रहा हूँ ना, ये सारे पानी सिर्फ आसमान से आए हैं, क्योंकि यह पानी आसमान से ही आ सकता है, ये बात आप लोगों को पता है और यह तो अटल सत्य है। इसलिए ना उस लाल वाले बटन को क्लिक करके देखो, वह सफ़ेद हो जाएगा। यह बात एकदम बिल्कुल सच है इस पानी की तरह। यहाँ देख सकते हो ना बारिश तो अब बंद हो गई है, तो गाइस इस पे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और कितने लोग इस रोड से जाते और आते हैं, क्योंकि यही सिर्फ एक रोड ऐसा है जो अभी अभी बना है। और देख सकते हो ना एक गाड़ी फिर आ रही है, क्योंकि सड़क पे बारिश थोड़ी सी बंद हो गई है और मार्शल देखो इधर सड़क से गुजर रहा है। और गाइस ये घर पे देख सकते हो ना कि ये इसी पड़े गया, क्योंकि रोड एक ही सिंगल है। और यहाँ देखो बादल आसमान में ही बादल होते हैं, तो आसमान में ही देखा जाता है। यहाँ थोड़ा सा पानी था लेकिन गाड़ियों का आना जाना रुक नहीं रहा था, क्योंकि गाइस बारिश जब थोड़ी सी होती ना तो एक दुकान पे सब रुक जाते हैं, बारिश चलने के साथ स्वयं चलते हैं। ये कैसे किया तूने? वो क्या है ना, मैं आई डोंट नो। गाइस अब देखो कौन सुनता है यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ बेचारा, बारिश के मौसम में ना यहाँ से बैठ गया। और देख सकते हो ना गाइस मैं नदी पे जा रहा था, सड़क से आया ना, तो यहाँ देख सकते हो पानी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, ना ही इस साइड ना ही इस साइड, सड़क पे भी थोड़ा सा पानी नहीं दिख रहा है। तो अब चलो नदी पे मेरे। तो गाइस मैं सोचा ना कि आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मैं सड़क पे था तो आप लोगों को चीज़ें दिखा नहीं पाया कि मैं मतलब बारिश हुई ना, लेकिन नदी पे मैंने सोचा कि सड़क का सारा पानी नदी कहाँ दिखाऊँ, देखो उधर वो रही नदी। तो मैंने सोचा कि नदी में सारा पानी मतलब कि जो सड़क का सारा पानी है वह नदी में आ गया होगा, तो आप लोगों को दिखा दूँ, तो इसीलिए मैं नदी पे चला आया, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे आप लोगों को नदी दिखाए हुए। नदी सूख गई कि उसमें पानी ज़्यादा हो गया, बिजली कितनी तड़की थी, ये सारी बात अभी दिखा रहा हूँ नदी का हाल। देखो ये देखो गाइस अभी नदी का हाल देख सकते हो, देखो क्या कूदा उसमें से अभी, लेकिन पानी ना यहाँ से सूख गया, यहाँ देख सकते हो ना गाइस ये सब पानी सूख गया, लेकिन इसमें मेंढक अभी भी कूद रहे हैं गाइस, लेकिन वहाँ देख सकते हो ना कि पानी बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा
मतलब बारिश इतना भी ज़्यादा नहीं हुई, यहाँ देख सकते हो ना थोड़ा बहुत बारिश हुई है सिर्फ मिट्टी भीगने के लिए, बस इससे ज़्यादा बारिश नहीं हुई है गाइस। और अभी आज तो मौसम उतना ख़राब नहीं हुआ, आप देख सकते हो ना बादल उदल का मौसम अभी सब वैसा ही वैसा है गाइस। अभी यहाँ देख सकते हो ना सब मतलब अच्छा ही नज़ारा है, क्योंकि लाइट थोड़ी कमी हो गई, लाइट का मतलब है कि अभी ये दिन ना डूब गया है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा मतलब अभी देख सकते हो कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ वहाँ देख सकते हो ना एक लोग छेड़ी चरा रहे हैं, अभी देख लो गाइस वहाँ और एक गाय है, बाकी कोई नहीं है गाइस यहाँ पर कोई नहीं है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो गाइस, मैं दिखाना चाहता हूँ ना मतलब यहाँ देख सकते हो ना इधर मतलब सारी सिर्फ घास घास है, और घास में कहने का मतलब ना गाइस कि घास है तो घास में ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बट यहाँ देख सकते हो ना जो मतलब भैंस चराने आते हैं उसका गोबर जरूर है गाइस जरूर। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ ना इतना पानी सूख गया नदी नदी के पीछे करके दिखा रहा हूँ गाइस, देख सकते हो ना वहाँ देखो पानी पूरा सूख गया गाइस, ये देख सकते हो। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना। और गाइस देख सकते हो ना ये जो मिट्टी नीचे वाली एक गाइस देख सकते हो ना गीली भी नहीं हुई, थोड़ा सा भी गीली नहीं हुई गाइस, थोड़ा सा भाई इसमें से थोड़ी सी मिट्टी निकल सके गाय जली ना तेरी भी जली ना। ऐसा भी देख सकते हो ना मैं गड्ढे में खड़ा हूँ, और यहाँ देख सकते हो ये नदी है क्या, यह नदी नहीं गाइस सिर्फ गड्ढा खना गया बस, और इसमें इसमें से माटी निकलवाई गई है गाइस। और आप देख सकते हो ना ये पीछे ऐसे देखो, ऐसे मेरे गांव में बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम फोटो भी खींच सकते हैं बहुत अच्छे से। तो गाइस आज का ब्लॉग से यहीं पर एंड करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा, और आप लोगों के और भी तगड़े तगड़े ब्लॉग मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। हाँ तो कंपनी को अगर मैं अच्छा वर्क करती हूँ तो कंपनी खुश, कितने 1 से 1.5 लाख।